आप सबके और हमारे सबके राजेंद्र सिंह बघेल जी, ये तो आपको कह रहे थे कि टिकट इनको मिलने वाली थी, बात सही है। मैंने इन्हें बुलाया था, मैंने राजेंद्र सिंह बघेल को कहा कि टिकट हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आप राजवीर को टिकट दे दीजिए। मैंने कहा तब तो राजवीर भी कट जाएगा, आप टिकट, आपको ही टिकट मिलेगी। फिर से मैंने इनसे निवेदन किया, ये राजी नहीं हुए। उसके बाद जिन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने कहा स्वास्थ्य खराब है, सर्टिफिकेट दिखाइए, डॉक्टर की रिपोर्ट लाइए। और ये सच बात है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जब लाए, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और तब तय किया कि ठीक है, राजेंद्र सिंह जी सही बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि ये इनका बहाना है, पर ये जब इन्होंने रिपोर्ट दिखाई मुझे, मुझे इस बात का यकीन हुआ कि राजवीर को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष अशोक पटेल जी, मनोज राजानी जी, कुणाल चौधरी जी, श्याम हुलानी जी, शांतिलाल गामी जी, कैलाश कुंडल जी, मेरे बहुत पुराने साथी कृपा शंकर शुक्ला जी, और सभी यहाँ आए हुए, इतनी देर से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां आए, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी, मेरा खून भी बुराया। ये सरकारी भीड़ नहीं है, सही बात है, ये सरकारी भीड़ नहीं है। शिवराज जी जाते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को कहा जाता है कितनी भीड़ लाओगे, सरकारी भीड़ आती है। मैंने तो एक कलेक्टर को फोन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया कि तुमने आईएएस बनने में बहुत ट्रेनिंग ली थी, पर तुमने भीड़ जमा करने की भी ट्रेनिंग ली थी क्या कभी? उसने कहा कि मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूं जी, मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है, नौकरी बचा के रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, ये चुनाव उपचुनाव क्यों मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है, क्या ये त्योहार है? किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान का खिलवाड़ किया गया, कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना, हमने तो नोट वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके सपने में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है, पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया, और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी मैं हिसाब देने को तैयार हूं, आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है, 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए, आप 15 साल का हिसाब किताब दे दिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते,
मेरे से हिसाब मांग रहे हैं, किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था? जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी, ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन किया। बेरोजगारी में हम नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन, और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर वन बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में क्या हालात है। शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, नौजवानों का दुख नहीं दिखता, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, चलता है ना मुंह बहुत, कोई भी झूठ बोल लो, झूठ बोल लो, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे, ऐसा झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोल देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाएं। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है, सही बात है। मैंने शुरुआत करी थी कि किसी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हम एक क्रांति लाएं, किसानों को राहत मिले। देश के इतिहास में पहली दफे कर्जा जब माफ होता था तो डिफॉल्टर का होता था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करूंगा, सही बात है। हमने चालू किया, पहली किस्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरी किस्त में हम आगे बढ़ रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का चालू खाते वालों का भी हम माफ करेंगे। पहली जून से हमने 3rd किस्त बनाया था, पहली जून से, कि हम किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ कर देंगे, और मैं वचनबद्ध हूं, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने तो शुरुआत करी थी, हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे।